नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रेशम और आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आप कैसे एंड स्क्रीन को अपने YouTube वीडियो में प्लेस करते हैं। तो अगर आप नए यूज़र्स हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में पूरी तरह जानने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो एंड स्क्रीन क्या होता है ये हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियोस। और एंड स्क्रीन लगाने के लिए आपको पहले ओपन करना है यूट्यूब, उसके बाद आप अपने चैनल का आइकन देख पा रहे होंगे, जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो स्क्रीन है वो यूट्यूब स्टूडियो में पहुँच जाता है। तो अब हमारे चैनल का YouTube स्टूडियो ओपन हो चुका है। अब आप जाएंगे वीडियोज़ या कंटेंट वाले ऑप्शन पे, जिसको आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे वीडियोज़ जितने भी आपने अपलोड किए हैं वो ओपन हो जाते हैं। इसके बाद आपको जिस वीडियो का एंड स्क्रीन लगाना है वहाँ पे आप जाएंगे और डिटेल्स ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपका वीडियो डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाता है। साइड में आप देख पा रहे होंगे एंड स्क्रीन ऑप्शन। अब आप एंड स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एंड स्क्रीन सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन टेम्पलेट के अकॉर्डिंग टाइमिंग और लोकेशन, यानी जो प्लेस है कहाँ पे आपका एलिमेंट्स जाके सेट होगा, वो आपको अरेंज करना पड़ता है या फिर मैच करना पड़ता है। तो जैसे कि आप एंड स्क्रीन टेम्पलेट अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद आप एलिमेंट पर क्लिक करेंगे और वीडियो या प्लेलिस्ट जो भी लेना है आप उसको लेके आएंगे और ड्रैग करके अपने एंड स्क्रीन टेम्पलेट के अकॉर्डिंग उसको प्लेस कर देंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपका एक वीडियो जो है वो प्लेस हो चुका है। फिर आप एलिमेंट्स पर जाएंगे और दूसरा वीडियो को भी आप उसी तरह से अपने एंड स्क्रीन टेम्पलेट के अकॉर्डिंग प्लेस कर देंगे। तो अभी जो हमने एंड स्क्रीन टेम्पलेट यूज़ किया है उसमें हम दो वीडियो और एक चैनल सब्सक्रिप्शन वाला एलिमेंट डाल सकते हैं। तो जो तीसरा एलिमेंट हम लोग अब यूज़ करने वाले हैं वो होगा चैनल का सब्सक्रिप्शन। तो इस एलिमेंट के लिए भी आप एलिमेंट बटन पे क्लिक करेंगे और सब्सक्राइब वाले बटन पे, सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। अब आपको इस एलिमेंट को भी अरेंज करना है टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो पहले आप इसको लेके आ जाइए जहाँ पे भी ये सेट होने वाला है, इसका लोकेशन जो है वो प्रॉपरली सेट कर लीजिए। अब हम लोग प्ले बटन पे क्लिक करके इसकी टाइमिंग को एडजस्ट करेंगे कि किस टाइम पे कौन सा एलिमेंट जो है वो हमारे एंड स्क्रीन पे शो होगा। तो सबसे पहले जो सब्सक्राइब बटन वाला ऑप्शन है उसको हम लोग सेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है, अब आप प्ले करके एक बार देखिए कि कौन से सेकंड पे जो आपका एंड स्क्रीन वीडियो है वहाँ पे सब्सक्राइब बटन वाला ऑप्शन आ रहा है। तो उस सेकंड को आप मार्क कर लीजिए और जो नीचे सब्सक्राइब वाला लेयर दिख रहा है अब आपको क्या करना है कि उसको ड्रैग करके उस सेकंड पे लेके आना है ताकि वो उतने सेकंड पे सब्सक्राइब वाला बटन आपके वीडियो पे आ जाए। तो अब हमने उसको उतने सेकंड पे प्लेस कर दिया है। अब हम लोग एक बार प्ले करके देखेंगे कि प्रॉपर्ली ये मैच कर रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा सब्सक्राइब बटन एग्जैक्टली उस पॉइंट पे आ रहा है जहां पे हमें इसकी ज़रूरत है। तो इसी तरह अब आपने अपने वीडियो को भी प्लेस कर देना है, जो दो वीडियो एलिमेंट्स आपने ऐड किए हुए हैं अपने एंड स्क्रीन में, अब उसको भी आप सिमिलर इसी तरीके से टाइम और लोकेशन, लोकेशन तो ऑलरेडी मैच हो चुका है, टाइमिंग जो है इसकी अब सेट कर लीजिए और इसको भी उसी तरह से प्लेस कर लीजिए। तो अब हम लोगों ने इसको प्लेस कर लिया, अब हम लोग इसको प्ले करके देखते हैं कि ये एंड स्क्रीन पे प्रॉपरली टाइमिंग के अकॉर्डिंग प्लेस हो गया है कि नहीं। तो जी हाँ, हम लोग का जो भी एलिमेंट था वो प्रॉपरली प्लेस हो चुका है, एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे हम लोग को चाहिए उस पॉइंट पे और लोकेशन पे प्लेस हो चुका है। तो हम लोग का जो प्रोसीजर था, जो प्लेसमेंट था, वो प्रॉपर हो चुका है। अब आपको वीडियो सेलेक्ट करना है कि एंड स्क्रीन पे आपको कौन सा वीडियो रखना है। तो चूज़ स्पेसिफिक वीडियो पे जाएंगे, आप अपने वीडियोस जो भी अपलोडेड हैं लास्ट के पुराने वीडियोस वो आप यहाँ पे एंड स्क्रीन पे ला सकते हैं, उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे ला सकते हैं। चाहें तो आप किसी और के भी वीडियोज़ ला सकते हैं, कोई और अदर चैनल्स के भी वीडियोज़ यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं।
लेकिन बेटर रहेगा कि आप अपने खुद के ही वीडियोस प्रमोट करिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे कि दोनों वीडियोस हम लोगों ने प्लेस कर लिए हैं, अब आपको क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक कर देना है। सेव बटन पे क्लिक करते ही आपका जो भी वीडियो था वो यहाँ पे एंड स्क्रीन पे सेट हो जाता है। तो अब आइए एक बार चल के देखते हैं कि वीडियो में कैसा दिखाई देता है हमारा जो एंड स्क्रीन लगाया हुआ है। तो इसके लिए आप YouTube को ओपन कर लीजिए, अपने YouTube स्टूडियो से YouTube पे चले जाइए। अब आप अपने चैनल पे जाके उस वीडियो को प्ले कर लीजिए जिस वीडियो पे आपने एंड स्क्रीन लगाई हुई है। तो ये है हमारा वो वीडियो। अब हम लोग एकदम लास्ट में चले जाते हैं जहाँ पे एंड स्क्रीन है, और एंड स्क्रीन को देखते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो किस तरह से हमारे वीडियो में आ रहा है। तो उम्मीद है आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।